अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर मिस अरीबा फ्रॉम दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान एंड गुलिस्तान जौहर कैंपसेस। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स ग्रेड थ्री बुक दैट इज़ स्मार्ट मैथमेटिक्स। फ्रॉम नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर वन द नंबर सिस्टम। डू यू नो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। नंबर सिस्टम क्या होता है? हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज़ अ सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 301 लिखा हुआ है, तो हम 301 को 31 तो नहीं पढ़ते, 301 ऐसे ही पढ़ते हैं, 301। तो हमारे पास, हमें कैसे पता चलता है कि हमें इसको 301 पढ़ना है, 31 नहीं पढ़ना, या 301 नहीं पढ़ना, 31 नहीं पढ़ना? तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम है। ओके, नाउ दिस इज़ आवर बुक्स पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 द नंबर सिस्टम। ओके, एज़ यू कैन सी, आपको ऊपर जो है बॉक्सेस दिए हुए, प्लेस वैल्यू। आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, हमें वैल्यू कहाँ किस बॉक्स में प्लेस करनी है। हमें ऊपर बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है 10,000s, 1,000s, 100s, 10s एंड 1s, और उसके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 85962। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 85,962। जिस तरीके से ये जिस बॉक्स में हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, हम इसको रीड आउट भी उसी तरीके से करते हैं। हमने ऐसा नहीं पढ़ा दैट इट इज़ 85,629, इस तरीके से हमने नहीं पढ़ा। जिस बॉक्स में जो नंबर है हमने उसको वैसे ही पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हंड्रेड्स में 9 है तो हमने उसको 900 ही पढ़ा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नंबर गिवन बेलो, गिवन अबव, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इज 1s। हमारे पास प्लेस वैल्यू डिजिट 2 की क्या है? दैट इज़ 1s। हम सबसे पहले 1s से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1-2 काउंटिंग होती है 1 से लेके 9 तक के। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1s से, उसके बाद हम जाते हैं 10s पे। 10 से लेके हमारे पास 99 तक के होते हैं। जिन नंबर्स में 2 डिजिट्स आते हैं दे आर इंक्लूडिंग इन 10s, सही है। उसके बाद जब हम 3 डिजिट्स पे मूव करते हैं तो वी कॉल दैट एज हंड्रेड्स, ठीक है। जैसे ही 100 आता है 99 के बाद तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? 100। इसी तरीके से 4 डिजिट नंबर्स आर कॉल्ड थाउजेंड्स, एंड 5 डिजिट नंबर्स आर कॉल्ड 10,000, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले बिल्टअप में नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट नंबर डस ईच अबकस प्रेजेंट। हर अबकस में हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, 1s, 10, 100, 1000, 10,000। ऊपर लिखा हुआ है ओ टी एस टी एस टी टी एच, दैट इज़ 10,000, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको काउंट करना है, 10,000 वाले में कितनी बॉल्स हैं? 1, 2, 3, वी हैव टू राइट 3 इन द बॉक्स। देन दिस इज़ द फील्ड 1, ठीक है, मैं उसी को जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन इन थाउजेंड्स वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉल्स, सो वी हैव टू राइट 9 देयर। देन इन हंड्रेड्स कॉलम वी हैव 6 बॉल्स, सो वी हैड राइट 6 देयर। देन इन आवर टेंस कॉलम देयर आर 4 बॉल्स, ठीक है, इसलिए हमने 4 लिखा। एंड इन वंस कॉलम वी हैव ओनली 2 बॉल्स, सो वी हैव टू राइट 2 हियर, ठीक है। नाउ यू ऑल हैव टू डू क्वेश्चन पार्ट नंबर बी सी एंड डी बाय योरसेल्फ्स। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
What is the value of each digit in 15,947? अब हमें इन हर डिजिट की वैल्यू बतानी है. मैंने जिस तरीके से इसको रीड किया 15,000, इसका क्या मतलब है कि 1 की वैल्यू क्या होगी 10,000, 5 की होगी 1,000, 947 तो 9 की क्या होगी 100, 47 4 की होगी 10s एंड 7 की होगी 1s. तो हमने किस तरीके से इसको लिखना है, हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है. राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है सबसे पहला वो हमारा 1s होता है, उसके बाद वाला 10s, फिर 100s, फिर 1000 और फिर 10,000. 1s में क्योंकि एक डिजिट आता है तो वी ओनली हैव टू राइट 7, ठीक है, इन आवर फर्स्ट ब्लैंक. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10s में दो डिजिट्स होते हैं. दो डिजिट्स का मतलब है कि एक ज़ीरो होता है. 10 हम कैसे लिखते हैं, 1 and 0. अभी हमारे पास 10s की वैल्यू क्या है, 4. वी हैव टू राइट 40 इन नेक्स्ट ब्लैंक. उसके बाद 9 की वैल्यू क्या है, 100. तो 100 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3. वी हैव टू राइट 9 and 00, 900 इन आवर थर्ड ब्लैंक. देन इसी तरीके से 5,000 में कितने डिजिट्स होते हैं, टोटल 4. वी हैव टू राइट 5,000 देयर, 5,005 and 000. देन द लास्ट वन इज 1s. 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 10,000. और 10,000 में टोटल 5 डिजिट्स होते हैं. वी हैव टू राइट 10,000 इन आवर लास्ट ब्लैंक. Now we have question number 3. Write the numbers in 100, 1,000, 10,000, 1,000, 100, 1,000, 100s, 10s and 1. अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से वैल्यूज प्लेस करनी है. सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5,682. 5 हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 5 की हमारी वैल्यू कौन सी है, थाउजेंड्स. तो थाउजेंड्स से पहले हम क्या लिखेंगे, 5,000. नाउ 600s, तो हम कहा सेकेंड बॉक्स में हम लिखेंगे 6. नाउ वी हैव 82. 80 मीन्स 10s, तो 10s के बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 8. एंड द लास्ट वन 1s. 1s के बॉक्स में हम लिखेंगे आवर फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट इज 2. इसी तरीके से पार्ट बी में हमारे पास सबसे पहले है 2, तो 2 हमारा किस पे है, थाउजेंड्स पे. तो वी विल राइट 2 इन आवर थाउजेंड्स बॉक्स. इसी तरीके से 39, तो 1 हमारा किस में है, हंड्रेड्स में. हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स वाले बॉक्स में लिखेंगे 1. देन वी हैव 39, 3 इन टेंस बॉक्स एंड 9 इन वंस बॉक्स. आई होप You are getting it, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया. Now you have to do part number C and D by yourselves. Now we have question number 4. Write the value of the ring numeral. The first one is done for you. आपको first वाला करके बताया है. You have to, क्या करना है आपने, You have to write the value of the circled ones. जो भी नंबर इन्होंने सर्कल किया हुआ है आपने सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी है. जैसे ऊपर हमने सबकी वैल्यू लिखी थी कि 2 हमारे पास 1s पे है, 8 10s पे है, इसी तरीके से इसमें हमने सिर्फ सर्कल्ड 1s की वैल्यू लिखनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट नंबर ए में हमारे पास सबसे पहला डिजिट जो है वो सर्कल है एंड वी हैव टोटल 5 डिजिट्स. तो जब हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वैल्यू है 10,000 में. हमारा पहला डिजिट किस में होगा, अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो 7 विल बी ऑन 1s पोजीशन, देन 10s, देन 100, देन 1000 एंड देन 10,000. तो हमारा 1 किस पे है, 10,000 पे. और हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 1 and 40. इसी तरीके से इन पार्ट नंबर बी 5 इज सर्कल्ड ओवर देयर. 5 कौन से प्लेस पे है, 1s, 10s and then 100s. सो वी विल राइट 500 or 500 हेयर. नाउ ऑन पेज नंबर 3 वी हैव अवर ब्रश अप एक्सरसाइज. ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से सर्कल नंबर्स के आपको प्लेस वैल्यू बतानी थी, इसी तरीके से इसमें अंडरलाइन डिजिट की आपने वैल्यू बतानी है। दैट इज़ सो ईजी। ठीक है, नंबर वन इज़ डन फॉर यू, दैट इज़ 36,382। 8 यहाँ पे अंडरलाइन है, तो 8 कहाँ पे है हमारे पास? अगर हम राइट से देखें तो वंस एंड देन टेंस, हमने क्या लिखना है? टेंस इन द ब्लैंक। आई होप आपको टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर ए हमारा प्लेस वैल्यू समझ आ गया होगा, एंड यू विल कंप्लीट इट इन योर बुक्स। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक केयर ऑल।